आपके साथ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एएपी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की सड़कें जल्द ही ठीक होंगी। मैंने सड़कों की मरम्मत के लिए सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। मुझे खुशी है कि हमारे विधायकों नेताओं ने शहर की सभी सड़कों का निरीक्षण किया। केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी भी बगल में बैठी दिखी। आतिशी ने कहा, हमें केजरीवाल का लेटर मिला। इसके तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अभी 90 में से 74 सड़कों के लिए टेंडर जारी किए गए हैं, बाकी 15 सड़कों के लिए टेंडर जारी करने का प्रोसेस जारी है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने 23 सितंबर को पदभार संभाला था। आतिशी ने सीएम ऑफिस में खाली कुर्सी छोड़ दी थी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। आतिशी ने कहा था, जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इस कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। 23 सितंबर को उन्होंने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। आतिशी ने 21 सितंबर को दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजनिवास में उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।